अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, हम आज सीबॉर्ग शहर के अंदर आए हैं और यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये लोग ईस्टर जो है वो आज ही से शुरू हो रहा है, तो ये लोग एक छोटा सा प्रोग्राम मनाया है जिसमें ये लोग ईस्टर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये लोग अभी शहर के अंदर सजावट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वॉलंटरी काम कर रहे हैं, तो आप लोग ये मंजर देख रहे हो। कोई सब के सब अपने शोबों में मशगूल है। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ कि यहाँ पर बच्चों के लिए ये सब इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि बच्चों को ये दिखा सके। और यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह भी है जो बच्चे आके मुफ्त में खा सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर बहुत अच्छा मंजर है। ये लोग सब हैप्पी ईस्टर को मनाने के लिए ये काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एक माइक्रोफोन भी है जो बाद में आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर एक छोटा सा तकरीर भी होगा जिसमें ये लोग अपने कल्चर के बारे में बताएंगे। और वो लोग वहाँ पर जो अंडे वगैरह की जो एक तरह से सजावट करने के लिए छोटा सा मतलब झोंपड़ी बनाया है, वहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये सब के सब अपने ही कामों में मशगूल है जिन्हें जिस तरह का काम दिया गया है। ये एक अच्छा मंजर है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ओवर एज हैं और जैसे कि मैंने पहले बताया वॉलंटरी काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो घोड़ों के साथ आ रहा है, प्रोग्राम अभी से शुरू हो रहा है। तो आप लोग देखें ये किस तरह से प्रोग्राम शुरू करते हैं, यहाँ पर कौन से तकलीफ हो रही है। ईस्टर का कल्चर ये लोग बना रहे हैं। मतलब अपने जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों बादशाह और मलका बनाया हुआ है अपने आप को, मतलब कि 15वीं सदी का बादशाह और मलका। और इसके पीछे आने वाले लोग इस बादशाह और मलका की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा मजीद बहुत से ऐसे छोटे छोटे बच्चे इस प्रोग्राम में शामिल हैं ताकि ये लोग दिखा सकें कि मतलब कि 15वीं सदी के बादशाह और मलका किस तरह से कल्चर रखते थे और ये लोग किस तरह से हैप्पी ईस्टर को शुरू करते हैं। ये एक तरह का प्रोग्राम है जो कि उस लोगों को इंटरटेन कर रहा है। और थोड़े ही देर में बादशाह एक छोटा सा स्पीच देगा जो अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बताएगा वगैरह वगैरह। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मुख्तलिफ किंडर गार्डन से आए हुए हैं हैप्पी ईस्टर को शुरू करने के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्राउन्स मतलब के ताज कटे हुए हैं। और यहाँ पर ताज इन ताजों पर मुख्तलिफ किस्म के पेंटिंग्स लगाए हैं और मुख्तलिफ किस्म के मैसेजेस लिखे हुए हैं। और म्यूजिशन वाले अपने पुराने मेलोडी सुना रहे हैं अभी।
अभी जो है जो है डेनिश किंग है वो अपना गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम टू विबो एलसा आपका और वेलकम टू फर्स्ट गैंग और खुशहाली के हम लोग पहली बार पाचोहो की बहार मना रहे हैं। और ये बहार कई बार मनाना है जो हम कई हजार सालों से इस शहर विबोल में मना रहे हैं। हम लोग ये जश्न पाचोहो की बहार इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हमें इस साल को एक नया बादशाह मिला है, मगर इस जश्न मनाने में एक खास वजह है। कोई भी डेनमार्क में बादशाह नहीं बन सकता अगर उस बादशाह की बादशाहत का जश्न इस शहर विबोल में नहीं हुआ हो, और इसी वजह से हम लोग ये जश्न मना रहे हैं आज। और मेरे हुकूमत मेरी मलका है, एक खूबसूरत सी मलका। और क्या आप लोगों को इनकी आजमत का एहसास नहीं है? और मेरे दरबारी भी मेरे साथ हैं, और मेरा छोटा भाई और क्या आप लोग जानते हो वो भी बादशाह बनना चाहता है? क्या उसे भी बादशाह बनना चाहिए? इसके अलावा मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि मेरी सवारी भी यहाँ पर है और ये लोग मेरे पीछे मेरे महाफिज की तरफ खड़े हैं। मेरे साइड पर हेर चौहान्स के साथ भी इस शहर के निगरान खड़े हैं जो कि इस शहर की मुहाफ़ज़त करते हैं। ये लोग इस शहर का पुलिस बना सकते हैं और मेरे पीछे जो छुपा हुआ है वो मेरा काउंटी क्लर्क है। ये वो है जो सिटी काउंसिल पर नजर रखते हैं ताकि लोग कानून के अंदर काम करें। मेरे पीछे लाल कलर के बिल्डिंग में रहते हैं। जैसा कि आपने महसूस किया है, हमारे साथ एक उसकी है जो कि काफी नहीं है और उसे बहुत ही खुश है। एल्फ औरतें हमारे साथ हैं क्योंकि हम एल्फ औरतों की शहर है। और हमारे पास म्यूजिशियन भी है और म्यूजिशियन के बगैर इस शहर में कोई जश्न नहीं मनाया जा सकता है। यहाँ पर मैं जो खड़ा हूँ, यहाँ पर एक चर्च था और हम लोग उस पुराने चर्च के सहन में खड़े हुए हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें आवाजें सुनाई दे रही हैं चर्च के सहन से। Så samlede man til at lave festen. Resten af dem går faktisk... Two, three, two, three.
दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होने वाले जा रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा प्रोग्राम पसंद आए, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ लाइक करना है और शेयर करना है ताकि मैं मज़ीद ऐसे वीडियो आपके लिए बना सकूं। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अल्लाह हाफ़िज़।